अस्सलामुअलैकुम। देखिए बघारे चावल दाल चावल की रेसिपी हमारे मम्मी के पास बनाई है, बहुत ज़बरदस्त बना। इसकी ये रेसिपी के लिए क्या क्या चाहिए आपको दिखाती, देखिए आप लोग। 6 डल्ली प्याज काट बारीक पीसेस करके रखी, 8 से 10 हरी मिर्च जीरा लगा के रखा, 1 किलो गोश्त बकरे का चिकना वाला, 4 ढक्कन तेल, 2 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट, 2 टमाटर 2 पीस, चने की दाल गला कर रख देना है घेट के, बारीक पेस्ट बना कर रखना है। देखिए 2 डल्ली प्याज, दालचीनी तंदूरी, आधी चम्मच हल्दी, अदरक लहसुन डालकर अच्छा 2 सीटी में गल गया गोश्त। गलने के बाद कद्दू डालना, 1 मीडियम साइज कद्दू, करी पत्ता, कोथमीर, पुदीना, 2 कट्टे कोथमीर, 2 कट्टे पुदीना, 2 कट्टे करिया पकौना। इसके लिए देखिए इसमें 4 डल्ली प्याज और 8 से 10 हरी मिर्च वाली, गरम मसाला, शाही जीरा, दालचीनी, इलायची, लवंग वगैरह डाल के अच्छा इसको अच्छा रेड से भुन लेना है, इसको फ्राई करना है। देखिए दालचीनी में मम्मी दार है, कोथमीर, पुदीना, करेला अच्छा उठने देना है, इसको अपने हिसाब से खट्टापन खट्टा डाल लेना, इमली का पल्प। मम्मी दार है, मैं चावल बना रही, प्याज ब्राउन कलर आने के बाद 2 चम्मच अदरक लहसुन डाल देना फ्रेश, होममेड का अदरक लहसुन है। देखिए इसको को खट्टा डालने के बाद अपने हिसाब से जितना लगता उतना पानी के हिसाब से डाल देना, डाल के कोथमीर, पुदीना, करिया पत्ता डाल के अच्छा उठने देना है दाल चावल। चावल देखिए रेड एकदम ब्राउन कलर में आ गए, दालचीनी में मम्मी डाल रहे हरी मिर्च 8 से 10, देखिए इसमें पुदीना डाल रही हूँ, कोथमीर, पुदीना 1-1 कट्टा, 3 किलो चावल है, 3 किलो चावल के हिसाब से पानी डाल लेना है। 1 गिलास को 1.5 गिलास पानी के हिसाब से बड़े जग मग से हिसाब लें। देखिए दालचीनी में चने की दाल घेट के रखे थे ना, वो हिसाब से डाल लेना। यह अच्छा सा 10 मिनट पकने देना, उसको अच्छा दम पे गरम मसाला डालना। देखिए चावल बॉईल, वाटर बॉईल हो रहा ना, आधा घंटा पे क्या कर रखे थे चावल, तो पानी में धोकर इसमें डाल लेना। 3 किलो चावल है, 3 किलो के हिसाब से मिलाकर दम पे पकाना इसको। मैं नहीं आ रहा तो मम्मी कर रही है, मिला रहे
बहुत ज़बरदस्त बना चावल। आप भी बनाइए। यह रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दाल गोश्त बघारे चावल बहुत ज़बरदस्त बने। आप भी बनाकर आप कैसा बनाते कमेंट करिए। अल्लाह हाफिज़।